नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम निरोग मंत्रा। दर्शकों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पिंपल्स होने की क्या वजह होती है और ऑयली स्किन से पिंपल्स होते ही हैं, जिसे हम एक्ने भी कहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे तीन सबसे छोटी और आम चीज़ें जिनके कारण हमारे फेस पर एक्ने होते हैं, लेकिन हम कभी उन चीज़ों की तरफ ध्यान तक नहीं देते। दर्शकों, स्किन की जिस जगह पर एक्ने होते हैं उसी जगह पर ही क्यों बार बार एक्ने होने लगते हैं, आइए बताते हैं। मोबाइल, जी हाँ दर्शकों, यूँ तो मोबाइल का हम सभी के जीवन में एक महत्व है जिसे हम कभी अपने से दूर नहीं होने देते। मोबाइल को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग करते हैं और कहीं भी रख देते हैं, जिससे कि मोबाइल की ऊपरी सतह पर बैक्टीरिया वायरस चिपक जाते हैं, जिसके कारण पोर्स ब्लॉक हो जाने से हमारे फेस पर पिंपल्स की समस्या होने लगती है। इतना ही नहीं दर्शकों, जब हम सभी सोते हैं तो तकिए का इस्तेमाल करना साधारण है, लेकिन क्या तकिए के इस्तेमाल से एक्ने हो सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हम सभी 6 से 8 घंटे की नींद तो लेते ही हैं और 6 से 8 घंटे तक तकिया हमारी स्किन से लगा रहता है, जिसके कारण हम खुद पिंपल्स को आने का न्योता देते ही देते हैं। तकिए में कई प्रकार की धूल होती है जो तकिए के जरिए हमारी स्किन में लग जाती है और पिंपल्स हमारे फेस पर अपना घर बना लेते हैं। तीसरा और सबसे ज़रूरी, हमारी खुली जुल्फें। दर्शकों, यूँ तो हम सभी रोज़ अपने बालों को वॉश नहीं करते, जिससे हमारे बालों में धूल, गंदगी और तरह तरह के जम्स इकट्ठे हो जाते हैं, और जम्स का इकट्ठा होना साधारण ही है। जब हमारे बाल हमारे फेस पर लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे फेस पर गंदगी आएगी ही आएगी और हमारे फेस पर पिंपल्स होना स्वाभाविक है। मोबाइल फ़ोन, तकिए और अपने बालों को अपने फेस पर ज़्यादा समय के लिए ना आने दें, वरना पिंपल्स का आना लगा ही रहेगा। त्वचा संबंधी रोगों को हल्के में ना लें, होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करें, क्योंकि होम्योपैथिक दवाओं से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब आपका चैनल टीवी 30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य संबंधी खबरों के लिए डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ।